सुनहरी दीवार और क्यों नहीं पत्थर की दीवार, पर हूं तो इसी देश की मिट्टी से बनी, इसी भारत भूमि से ऊंची, यही तो मेरी मातृभूमि है। और आज जब पूरा भारत एक सुनहरे कल और अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है तो मैं कैसे पीछे छूट सकती हूँ? आप सोच रहे होंगे एक दीवार बोल कैसे सकती है, दीवारों के तो कान होते हैं बस। पर सच ये है कि आज मेरे देश के हर उस शख्स को आवाज मिली है जो अब तक सिर्फ सुनने को मजबूर थे, मेरी जैसी गूंगी दीवार को भी। ऐसा नहीं कि सुनहरा समय मेरी मातृभूमि ने पहली बार देखा, मेरा भारत तो हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता था और एक के बाद एक कई स्वर्णिम काल देखता रहा है। अब मेरी जन्मकुंडली ही देख लीजिए, जिस सुनहरे समय में मेरा जन्म हुआ था उस वक्त मेरे आसपास छेनी, हथौड़ी, संतराश, पत्थर कटों की ठक ठक ताल थी और संत कवियों के शहद से सुने उस रसधार को बहाने वाले पूरे भारत भर से अनेकों कवि थे। इन भक्त कवियों में कोई हिंदू था, कोई मुसलमान, कोई सूफी, कोई शाक्त, कोई शैव, कोई वैष्णव, सबके आराध्य अलग अलग थे, भाषा अलग, पर सबकी भक्ति में एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म, एक ही ओंकार के दर्शन सारे देश को हो रहे थे। यही तो दिखता है हमारे देश के त्योहारों में, जब एक ही दिन, एक ही मुहूर्त, जैसे मकर संक्रांति पर खिलाते हैं अलग अलग उत्सव रंग। इस लाल किले को बनवाया था मुगल शहंशाह शाहजहां ने, बलुए पत्थरों से मुझे गढ़ा गया था और इस मजबूती से ये 400 साल बाद आज भी मुझे हिलाना नामुमकिन है। बिल्कुल उसी तरह जैसे है मेरे देश के विचार, सिद्धांत, उसमें असल में भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत नाम है एक सोच। मुझे बनाने वाले मुगल तो हिंदुस्तान में मेहमान बनकर आए थे पर फिर यही के होकर रह गए। भारत ने तो हमेशा हर विश्वास, हर विचार के लोगों को अपना समझकर अपनाया है और कहा है अतिथि देवो भव। मगर उससे भी बहुत पहले भारत ने कई स्वर्णिम युग देखे थे, जैसे था हमारे देश का वैदिक युग। सरित सरस्वती नदी के तीर बैठे जब ऋषि मुनि गंभीर, समेधा अग्नि आहुति और यज्ञ, तपस्या कर हुए सब प्रज्ञ, रचने लगे वो वेद पुराण, ऋग अथर्व यजुर और साम, शोध किए सब जीवन तत्व, खोज निकला प्रकृति का सत्व, जीवात्मा परमात्मा है एक, माया ब्रह्म से लगे अनेक, आत्मा अजर अमर अछेद, अनादि अनंत अखंड अभेद। वेदों को रचने वाले इन ऋषियों ने दुनिया को जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा के जिस एक एक की बात हमें सिखाई थी उसी को श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाया था। जैसे पुराने कपड़ों को उतार कर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना ही इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। तब से आज तक आत्मा की संस्कृति ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ओम की ध्वनि उस परम ब्रह्म का स्वरूप।
आज सरस्वती भले ही आंखों से ओझल हो गई, पर नासा के सर्वेक्षण बताते हैं कि सरस्वती अभी तक जीवित है और अब धरती के भीतर भीतर बहती है। मगर मेरे देश की शुरुआत तो उस वैदिक युग से भी पहले की है।